सबसे बड़ी खबर है। राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में शामिल होने सीएम नायब सैनी पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और राज्य मंत्री महिपाल ढांडा भी इसमें शामिल हुए हैं। मंत्री सुभाष सुभा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसके अलावा मंत्री सुभाष सुभा और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पे राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र में, और सीएम नायब सैनी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र से, ये बड़ी जानकारी है। राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और सीएम नायब सैनी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूदगी है। महिपाल ढांडा भी आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके अलावा मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया है और राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और राज्य मंत्री महिपाल ढांडा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन है, जहां पर सरपंचों के साथ आज यह संवाद है मुख्यमंत्री नायब सैनी का, और सरपंचों के साथ ये आज चर्चा इस सम्मेलन में होनी है। जनवरी का त्योहार हो ना तो 500 रुपए दे हुए बोले 2 किलो लाडू भी नहीं बांट सकते मुख्यमंत्री जी, और स्कूल में 200 बालक हो 400 बालक हो तो बोले भाई साहब अपने पल्ले तो पीछे लाने पड़े, इतनी छोटी चीज तो शुरू कर रहे हैं जी, अरे होनी भी चाहिए जी। सर मेरे को जब ये लोग मिले और बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि भाई मारे भाई ना अगर कोर्ट में कई बार मामले हो जाए पंचायतों के, और वो अगर निपटाने के लिए तारीख पर जाना हो तो बोले जितनी फीस दे हुए हैं कोई मुंशी भी नहीं पकड़े, बोले के 1100 रुपये बोले जी अरे छोटी कोर्ट में, अरे हाई कोर्ट में जाओ बोले 5000 रुपये। बरसों से चला रहा जी, देखे इतने में गुजारा को नहीं होगा सर, चाहे कुछ भी हो। देखो इन चीजों को अगर हम लोग ना समझेंगे और वही पुराने डरे पर अगर हम लोग चलते रहे तो देखो इन भाइयों के श्याम जी कठिनाई तो है ही, और घनी तगड़ी है जी, घनी तगड़ी कठिनाई है जी। ये मान लो मुख्यमंत्री जी है चाल पड़े बेचारे को नांगल चौधरी तो चाल का हुआ है, कोई कालका तो चाल का हुआ है, कोई होडल पलवल ते भी आगे तो चाल का हुआ है, कोई सहार तो चल रहा बेचारा। एक बार बताओ जी, उन्हें तय कर ले मैं मंत्री तो मिलकर आऊंगा जी, मुख्यमंत्री जी तो मिलकर आऊंगा जी, चार काम हुए जी, गांव वाले कौन सा टिकट दे हुए, किसी का और भी काम निकल का इसके, और हमारी मजबूरी है हमने आना पड़ा है, इसलिए आना पड़ा है कि साहब हम खाली सरपंच है ना जी, इसी काम के लिए नहीं कि हमने गली बनानी चौपाल बनानी, हमने जी गांव के 50 तरह के रोड़े रब दे हैं उनके ऊपर भी ध्यान रख के उनके बीच में भी खड़ा होकर काम कराने पड़े जी, और इसलिए हम नहाना जाना पड़े। देखो साहब सारे तो देखो धन्ना सिंह